Yo, what's up? So today I'm at Delhi's Ansal Plaza Decathlon store. एक जेब में 15,000 रुपए और दूसरे जेब में लिस्ट है कि मुझे क्या लेना है. बट सच बताऊं, ये लिस्ट जाने वाली है कूड़े में द मोमेंट आई एंटर दिस स्टोर, बिकॉज दे हैव वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विद रीजनेबल प्राइसेस. वैसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं 15,000 रुपए लेके डीकैथलॉन स्टोर में जाऊंगा. बट तुम्हारे पास भी कभी 15,000 रुपए होंगे और तुम्हें भी कभी इसको खर्च करने का मन करेगा और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू. द बेस्ट थिंग अबाउट डीकैथलॉन, यहाँ पे 100 रुपए में भी चीज़ें मिल जाती हैं और महंगे से महंगा आइटम भी मिल जाता है. एंड ऑलवेज नीडेड स्किपिंग रोप. दिस बैग इज रियली कूल, बट इसका रेट है कुछ कितना, 2,000 का बैग है. अच्छा, दिस इज माई जोन, दिस इज द जिम सेक्शन. दिस इज गोल्फ सेक्शन, और गोल्फ सेक्शन की सबसे खास बात ये है, यहाँ पे तुम गोल्फ स्टिक और बॉल्स के अलावा कपड़े भी मिल जाएंगे सस्ते में. फर्स्ट लॉकडाउन जो सबसे ज्यादा चीजें डीकैथलॉन में बिकी थी, दोज वर दीस साइकिल्स. बट लुक एट दिस, 90,000 की साइकिल, 1 रुपया कम है भले, बट लेकिन तुम ऑनलाइन अगर ये साइकिल्स देखोगे तो 1.2 से स्टार्ट है. अरे विवेक, अबे वो हर जगह रोल नहीं करना होता यार. डीकैथलॉन में सबसे बेस्ट चीज़ है कि यू कैन सेल्फ चेकआउट. फोन निकालो, ऐप खोलो, जो जो आइटम थे उसको स्कैन करो और उसी टाइम निकल लो. तुम्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं है. बट मेरे पास सामान एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आई वुड प्रेफर कि मैं काउंटर पे जाके करूँ. अभी काउंटर खाली भी है. मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं बैठना चाहता हूँ, मैं खेलना भी चाहता हूँ, बैक पैक भी करना चाहता हूँ, बट कॉमेंट्स में गालियाँ नहीं खाना चाहता. चलो फाइनली 15,000 की शॉपिंग कर ली है. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि बहुत सारी आइटम्स मैंने एक्चुअली ले ली हैं और संभाली भी नहीं जा रही हैं. तो पहले स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चश्मा निकालने से, क्योंकि अब हम इंडोर आ गए हैं. ओके, द फर्स्ट आइटम इज़ दिस फुटबॉल. तो ये मुझे काफ़ी सही डील लगी है. इसमें 999 इसका प्राइस लगा, बट ये 600 के अंदर मिल गया और 600 में इस क्वालिटी की बॉल बहुत अच्छी है ये. तो कुछ ब्रांड है जो डीकैथलॉन खुद ओन करता है, जिनमें से एक है किप्स्टा, एक और है केचुआ करके. तो दिस इज़ देयर होम ब्रांड. और इनके होम ब्रांड का क्या है ना सीन, सस्ते भी हैं, क्वालिटी भी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ भी है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुटबॉल ही मिलेगी, आपको अदर स्पोर्ट्स आइटम भी मिल जाएंगी. एंड इट्स अ गुड डील मेरे हिसाब से. अब ऐसा भी हो सकता है, देखो तुम लोग जाओ डीकैथलॉन में, तुम्हें 600 की ना मिले, क्योंकि ये मुझे डील में मिली है. और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जितनी भी चीज़ें देख रहे हो उनमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक मुझे डिस्काउंट मिला ही मिला है. ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें इससे सस्ती मिले, ऐसा भी हो सकता है कि जो उसमें MRP लिखा हो उसमें भी मिले. तो वो डिपेंड करता है कि तुम कब जा रहे हो. नेक्स्ट आइटम जिसको दिखाने के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और जो खरीदते वक्त मेरे को मज़ा आ गया था. अब देखो तुम ऐसे बैठे हुए हो, लाइन में गए हो, वोट देने जा रहे हो, बिजली का बिल भरने जा रहे हो, पानी का बिल भरने जा रहे हो, बाहर गर्मी है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ बैठे, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए. ये साथ लेके चलो भाई, इजी टू ओपन, मस्त इस पे बैठो. ओ ये मेरे को तो इससे ज़्यादा ये कंफर्टेबल लग रही है भाई, इसमें कर लें शूट हम. इसकी सबसे खास बात ये है कि इसका फैब्रिक बहुत सही है, तो ये जल्दी फटने वाला नहीं है. एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जो डीकैथलॉन के खुद के ब्रांड्स हैं उनमें एक केचुआ भी आता है, तो केचुआ के इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी है, जैसे बैग भी है, वाटर बॉटल्स भी हैं. 100 रुपए से लेके 2-3 हज़ार तक तुम्हारे रेंज में मिल जाएगी. एंड दिस चेयर वॉज फॉर 1,000 रुपीज. 1,000 रुपये में मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट डील मिलेगी. इस पे देखते हैं कि इस पे कितना केजी ले सकता है. 110 किलो झेल सकता है, तो यानी कि इट्स वैल्यू फॉर मनी. 1,000 रुपये में और क्या लोगे भाई तुम. नाउ द नेक्स्ट थिंग, मेरा सबसे फेवरेट चीज़ भाई, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, जब मुझे बोला गया था ना कि तुम डीकैथलॉन का वीडियो कर रहे हो, तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि भाई मैं कुछ लूँ ना लूँ, भले ही 15,000 का एक स्केटबोर्ड आए, मैं यही लूँगा. कुछ लोग इसको स्केटबोर्ड बोलते हैं, कुछ लोग इसको लॉन्ग बोर्ड बोलते हैं. इसमें एक्चुअली लिखा भी है स्केटबोर्ड, बट मुझे नहीं पता इसको एग्जैक्टली बोलते क्या है, बट मैं इसको स्केटबोर्ड ही बोलूँगा. अगर आपको पता तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो दैट इफ इट इज़ अ स्केटबोर्ड या फिर लॉन्ग बोर्ड. ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए भी लगता रहा क्योंकि मेरे आसपास कोई करता नहीं था और मुझे टीवी में देख के बहुत सही लगता रहा. जैसे हॉलीवुड मूवी है, ऐसे बोलते थे बच्चे, मॉम आई विल बी बैक इन 5,
I'm going and उसको लेके चलते थे ऐसे मस्त एक खाली सा स्विमिंग पूल होता था, उसमें ऐसे उछलते थे कूदते थे ऐसे पहाड़ों में जाके मस्त स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं. तो मेरे को वो हमेशा देख के ना ऐसा लगता था कि भाई ये मुझे भी करना है किसी दिन. तो इसका जो प्राइस है दैट इज 5,500. यार मेरे को 5,500 के हिसाब से सच बताऊँ तो थोड़ा महंगा लग रहा है. अब मेरी इन्वेस्टमेंट यहीं तक ख़त्म नहीं हुई है, मुझे इसके लिए एक हेलमेट लेना पड़ेगा, एल्बो गार्ड लेना पड़ेगा, नी गार्ड लेना पड़ेगा, ताकि अगर मैं गिरूँ तो मुझे लगे ना ज़्यादा. क्योंकि अगर इसको चलाते हुए मैं गिरा दिल्ली की रोडों में, ओके, दिस इज दी मसाज फोम रोल. इस वीडियो का डायरेक्टर वैसे तो कौस्तुभ है, और इस वीडियो का भार उठाते उठाते उसके बैक में पेन शुरू हो गया था, तो मैंने कहा चलो यार तुझे एक गिफ्ट दे देता हूँ. तो ये 1500 का है एंड 1500 के हिसाब से दिस इज द बेस्ट डील, क्योंकि ये सिर्फ बैक मसाज रोलर नहीं है, इसको तुम कहीं पे भी मसाज कर सकते हो. इसमें एक्चुअली लिखा बना हुआ भी है, तो बेसिकली इसके साथ तुम डिफरेंट पोजीशंस ट्राई करके काफी चीजें कर सकते हो. तो दिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा पैटर्न बने हुए, पॉइंटेड है, कहीं फ्लैट है, कहीं पॉइंटेड है. तो अच्छी खासी साइंस यूज करके इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि तुम्हें पेन भी ना हो, और तुम्हारी जो हड्डियां जब चटकती है ना, तुम्हारी बैक की हड्डियां चटक रही है, साइड की हड्डियां चटक रही है, तो उसके लिए बहुत सही चीज़ है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसको कर सकते हो यूज़ एंड वैल्यू फॉर मनी. ओके, डीकैथलॉन में जितने भी ब्रांड्स हैं सारे उनके ही हैं, जैसे केचुआ था, किप्स्टा था, बीटविन, ये भी उनका ही है. भले ही पैसे जेब में कितने भी पड़े हो, लेकिन एक कंजूस दिमाग होता है तुम्हें, सबके अंदर होता है, ये हम इंडियंस के अंदर है, सस्ती चीज़ मिले छोड़ने का नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ने का. तो ये 100 रुपये की मेरे को एक बॉटल दिखी थी एंड 100 रुपये के हिसाब से बहुत सही बॉटल है, तो ये बेस्ट डील है. 100 रुपये में इससे बेस्ट चीज़ तुम्हें मिल ही नहीं सकती. ऐसा भी हो सकता है तुम्हें किसी टाइम पे 50 रुपये की मिले, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने एक्चुअली 50 रुपये में खरीदा ही है. नेक्स्ट आइटम जिसकी मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, विच इज़ दिस विंड चिटर, लेकिन इसका मटीरियल देख के मुझे लग नहीं रहा है बहुत टाइम तक चलेगा. एक्चुअली ये डिज़ाइंड है साइकिल, जो लोग साइकिलिंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं, उनके लिए है ये. मैं बाइक चलाता हूँ और होता क्या ना, बाइक चलाते चलाते ठंड, कभी ठंड लगने लग जाती है, कभी गर्मी तेज़ हो जाती है, कभी बारिश होने लग जाती है, धूल मिट्टी ये सब. तो उससे बचने के लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल तुम्हारी बॉडी को सील कर रहा है, तो ठंड नहीं घुस सकती. प्लस इसका जो मटेरियल है ना, वाटर प्रूफ मटीरियल है. तो उतार देता हूँ, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार इसको पहन रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है इसका मटीरियल मुझे. अब विंड चिटर की बात चली रही है, तो विश्वास ने एक वीडियो में 2500 का विंड चिटर लिया था. द वीडियो वॉज स्पेंडिंग 10K एट MNS वर्सेज स्पेंडिंग 10K एट यूनिक्लो, यहाँ का ही लिंक दिख जाएगा, देख लेना. तो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 1500 का तो ठीक ही है यार ये, एंड तुम इसको इजीली फोल्ड करके रख भी सकते हो बैग में, क्योंकि बहुत लाइट वेटेड है, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है. चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये है माइक्रो फाइबर टॉल, और इसकी सबसे खास बात बताऊँ, ये लगता इतना है, ये इस साइज का है, देख लो इस साइज के हिसाब से, और इसका जो प्राइस है विच इज 229. अमेजिंग. मैंने जो इस टावल को लिया है जिम जाने के लिए लिया है, क्योंकि मेरे को इसके अलावा इसका कोई पर्पस ऑन द स्पॉट नहीं आ रहा था. इसका फायदा क्या है ना, कि तुम इसको जिम में अपना खून पसीना बहाओगे, मस्त वर्कआउट करोगे, और बीच बीच में ऐसे 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 डैब करते रहोगे, तो ये क्या करता है ना, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके ऐसे ना पूरे टाल में फैला देता है. तो इससे क्या होता है ना, ये गीला भी नहीं रहता, स्मेल भी नहीं आती, और तुम इसको डायरेक्टली सीधा 1-1.5 हफ्ते के गैप में धो सकते हो. बाकी इसका एक और फायदा ये है, जैसे तुम ट्रैवल भी कर रहे हो, तो ट्रैवल में तुम जो टाल लेते हो, अब इसको तुम फोल्ड करोगे तो इतना मोटा हो जाता है. इसकी सबसे खास बात यही है कि इसको फोल्ड करके इतना सा एक गुठली बन जाती है, एंड इसको तुम कहीं पे भी अपने, जैसे फॉर एग्जांपल दिस बैग यहां पे डाल दो, खत्म, कितनी जगह ले ली इसने. तो मेरे हिसाब से 229 रुपये में इससे बेस्ट चीज तुम्हें नहीं मिलने वाली है. ऑलराइट, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट, अब हम ट्रैवल की बात कर ही रहे थे, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड एक और प्रोडक्ट मैंने लिया है, एंड दिस इज़ नेक पिलो. जब भी तुम ट्रैवल कर रहे हो, बस में जा रहे हो, तो इसको तुम यूज़ कर सकते हो, इसमें करना कुछ नहीं है, बस हवा भरनी है. अरे भाई साहब, ये तो बहुत इजी था. इसका मटेरियल भी काफ़ी, बहुत इसका मटेरियल काफ़ी कंफर्टेबल है, ऐसे गर्दन पे लगाने के बाद में एकदम मज़ा सा ही आ जाता है. कुछ मटेरियल होता है कि मतलब तुम्हें इरिटेशन होती है, ऐसे इचिंग होती है, स्वेटिंग होती है, बट ये अगर तुम्हें स्वेटिंग भी होगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेगा. अच्छा, इसमें ये जो बटन दिख रहा है तुम्हें, ये बटन का पर्पस ही यही है कि तुम इसको प्रेस करो और ये यहाँ से हवा निकाल दो. इसका पर्पस एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग में लगा था, इसको दबाते रहो हवा भरेगी, बट इसका एक्चुअल पर्पस है
कि ये हवा को सील कर देता है। अगर तुम्हें हवा रिलीज करनी है इसको दबाओ और ऐसे ऐसे करके पूरी हवा निकाल दो। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ये प्रो रेसलिंग का कच्छा, काफ़ी हवादार, काफ़ी स्ट्रेचेबल, मजबूत और ये टॉइंग भी नहीं है। अच्छा, डीकैथलॉन की सबसे खास बात ये लगती है दे सरप्राइज यू, कि नई नई चीज़ें निकालते रहते हैं, वो सरप्राइज करते रहते हैं। तो ये मुझे पता नहीं था रिवर्सिबल है, ये मुझे अभी अभी मैंने रियलाइज़ किया कि इसको ऐसे करोगे। ये नोटबुक क्यों दे देते हैं भाई, ये 5-6 पेज की नोटबुक क्यों देते हैं, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बट इसको काटने का इन्होंने सबसे सही चीज़ दे रखा है, एंड गर्मियों में तो दिस इज़ लाइक अ ब्लिस। ये तुम्हारी समर स्किन हो सकती है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। जैसे हाँ, बस इसकी ये बात मेरे को बुरी लगती है, जो नाड़ा है ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जब नाड़ा भी होता है ना इसको ऐसे अंदर डाल देता हूँ। देखो इसका प्राइस 1300 रुपये में बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इसमें तुम्हें एक के प्राइस में दो चीज़ें मिल रही है, दो निक्कर मिल रही हैं। और हाँ, ये जिम वाले सेक्शन में मिलेगा नहीं, अगर तुम चाह रहे हो इसको लेने के लिए ये बास्केटबॉल सेक्शन में मिलेगा। ये चीख चीख के बता रहा, मैं बास्केटबॉल सेक्शन में ही मिलूंगा। ओके, नेक्स्ट आइटम, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहां पे पोलो टी शर्ट लेकर आया हूं मैं। लाइक दिस पोलो नेक टी शर्ट तुम गोल्फ सेक्शन से ये भी खरीद सकते हो, शॉर्ट्स भी ले सकते हो और ट्राउजर्स भी ले सकते हो, जो तुम कैजुअली पहन सकते हो। इसका क्वालिटी देख के भी मुझे लगता है कि आराम से एक सीजन तो चली जाएगा, तो एक सीजन 500 रुपये में आई थिंक इट्स वर्थ इट। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑलराइट, स्किपिंग रोप। भाई 100 रुपये में स्किपिंग रोप मिल रही है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। जिम जाते हो, जिम जाने वाले लोगों के ना सबसे बड़ा सरदर्द होता है कि जब भी तुम जिम जाते हो हमेशा ट्रेडमिल भरा मिलता है, हमेशा। तो सबसे बेस्ट चीज़ है स्किपिंग रोप लो, थोड़ा स्ट्रेचिंग वेचिंग करो, हॉप करो और तुम्हारी बॉडी वार्म अप हो जाती है। 5 मिनट इसको हॉप करो, प्लस स्किल्स की स्किल बन जाती है, काफ्स के काफ्स बन जाते हैं। एंड 100 रुपये के हिसाब से बहुत सही है, इसका मटेरियल भी सही है एंड चल जाएगा यार। अगर 6 महीने भी चल जाए 100 रुपये में तो और कितना पैसा वसूल करोगे इससे। तो एंड में मेरे कुछ 1000 रुपये बच गए थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या लेना चाहिए। तो पहली चीज़ मैं भागा, मुझे लगा कि जो पहली इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी मैं उसको उठा लूँगा, और ये दिखा मुझे। एंड ये मुझे उस वक्त तो समझ में नहीं आया मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लगा मैंने ले लिया। बट अभी मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लग रही है। एंड दिस इज़ फॉर 800 रुपीज़। इसमें तुम काफ़ी चीज़ें रख सकते हो, जो तुम्हारे अब जैसे बैग में काफ़ी चीज़ें होते हैं, पेन होता है, अगर तुम लिप बाम रखते हो तो लिप बाम होता है, बैग्स होता है, हेयर बैग जिसको तुम सेट करने के लिए रख सकते हो। अब इधर उधर बिखरा रहता है, अब तुम्हें ढूंढना होता है वो सब चीज़ें मिलती नहीं है, तो तुम उन सब चीज़ों को एक जगह रख सकते हो, इवन कार्ड, इवन योर वॉलेट। में एक पॉकेट यहाँ पे है, ठीक है, एक और सेक्शन यहाँ पे दे रखा है, काफ़ी स्पेशियस है। अभी कितना फ़ायदेमंद है तो यूज़ करके पता चलेगा। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बैग लास्ट आइटम ऑफ दिस टेबल एंड ऑफ दिस शॉपिंग एक्सपीरियंस, ये बैग। मुझे एक बैग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना बढ़िया बैग ले लूँगा। और इस बैग की सबसे खास बात यह है, इस पर लिखा भले ही 4000 हो लेकिन ये मुझे 2000 में मिला है, लाइक 50% ऑफ। कलर कॉम्बिनेशन देखो, पर्पल एंड ब्लैक, मुझे पहली चीज़ बहुत सही लगी। दूसरी चीज़, बैग की क्वालिटी बहुत सही है, प्लस इट्स गुड, ये इट लुक्स गुड। अब तुम ऐसे पहन के जा रहे हो तो इट इज़ लुकिंग गुड, और काफ़ी स्पेशियस भी है। लुक एट दिस स्पेस, एक्चुअली बहुत ज़्यादा सामान आ सकता है, काफ़ी ऊपर भी स्पेस है भाई इसमें तो। एंड दिस इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल भी, यहाँ से अच्छा खासा पैडेड भी है, तो अगर तुम इसमें ज़्यादा सामान डाल भी दोगे तो तुम्हारा बैक पेन नहीं करेगा। तो ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगा कि 2000 में दिस इज़ द बेस्ट डील, लुक भी अच्छा है, स्पेशियस भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड एक होता है ना सेटिस्फैक्शन कि तुमने सामान लिया तुम्हें मज़ा आ गया है। तो इस बैग को साइड में रखते हैं एंड वीडियो को थोड़ा कंक्लूड करते हैं। ऑलराइट, सो 15000 खर्च करके मैंने खरीदे 13 आइटम्स, एंड इनमें से कुछ आइटम्स तो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किए, कुछ ठीक है मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्यों लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो सबसे बढ़िया आइटम लगा, वैल्यू फॉर मनी, विच इज़ द बैग, लेकर्स का बैग। कुछ चीज़ें मैंने ऐसे ले ली कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग इट, विच वॉज द स्मॉल पाउच। मुझे अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है कि मैं उसका करूंगा क्या। अगर मैं डीकैथलॉन को लोकल स्पोर्ट्स शॉप से कंपेयर करूं तो वहां पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, आपको काफ़ी चीज़ें छूने नहीं दिया जाता एंड आपको बस खरीदना ही होता है कि हाँ चलो अगर देख के पसंद आया तो ले लो। डीकैथलॉन का अलग सीन है, वहां पे आप जाके पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
आप स्केटबोर्ड चलाना चाहते हो तो स्केटबोर्ड चला के देखो, फिर आप डिसाइड करो कि आप उसको खरीदना चाहते हो कि नहीं। आपको टेबल टेनिस चाहिए तो आप ट्राई करो कि आपको वो चीज़ वर्थ लग रही है। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, कॉमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों को इनमें से सबसे बेस्ट आइटम क्या लगा है एंड अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या खरीदते। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ओके टेस्टेड एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाकी मैं तो चला अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करने। बाय बाय।